गाइज, मेरा ये पैटियो गार्डन है तो इसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। तो डेली के व्लॉग में ही मैं आपको एक-एक जो चेंजेस करने वाली हूँ वो दिखाती जाऊँगी। तो चलिए, ये लास्ट व्यू है मेरे पैटियो गार्डन। वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर तृप्ति चैनल। तो आज ये व्लॉग मैं दोपहर से चालू कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे बेटे के मनपसंद सब्जी, जो कि ऑनियन दाल है। तो चलिए, आज मैं ये डिनर का ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा और भी काम करना है घर का। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ये सब डिनर के लिए बना रही हूँ। ये मैंने लिया है फ्राई पैन, और इसमें अब मैं ऑयल डालूंगी। तो ऑनियन जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसलिए मैं ये नमक डाल रही हूँ। तो आलू अभी गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो इसमें मैं अब ये बारीक कटा हुआ टमाटर डालूंगी और इसे भी सॉफ्ट कर लूंगी, इसे भी सॉफ्ट करके लूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अभी हमने इसमें नमक डाला है तो ये अच्छे से सॉफ्ट होंगे। तो हमारे ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो इसमें अब मैं मसाला डालूंगी। तो इसमें अब मैं ये रेड चिली पाउडर डालूंगी। और ये मसाला डालूंगी, 2 चम्मच मसाला मैं इसमें डालूंगी। और ये अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मसाला जो है, इसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये भीगी हुई मूंग दाल मैंने अच्छे से धो ली है और थोड़ी भिगो के रखी थी, तो ये मूंग दाल अब हम इसमें डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से पकने के लिए हम इसमें ये थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इस पे ये ढक्कन लगा के अभी थोड़ा पकने देंगे। और
तो ये हो गई हमारी सब्जी तैयार और इस पे अब मैं ये धनिया डाल रही हूँ। तो ये रहा डिनर। ले लिया है तो अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। ये आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी। अब हमारा ये राई और जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है जीरा, तो अब हम इसमें ये ऑनियन डालेंगे। ये करी मिर्च भी डालेंगे यानी कि कड़ी पत्ता। तो अब हम ये ऑनियन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पहले मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि वो सब जगह पे इसे इसकी छींटे पड़ती है ऑयल की, इसलिए। तो अभी ये ऑनियन गोल्डन ब्राउन होने पर मैं हरी मिर्च डालूंगी। तो ये हमारा ऑनियन अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये बारीक किया हुआ ये अदरक अब हम इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, ये अदरक ऐड करने से, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा अदरक मिला लिया है। अब हम इसमें ये कट किए हुए टमाटर डालेंगे। और ये हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। अब हमने ये सूजी जो भून के ली थी तो इसमें हम अब ये डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं, दो टमाटर डाले थे मैंने, तो इससे ये टैंगी हो जाएगा, टैंगी बहुत ही टेस्टी लगेगा। गरम किया हुआ ये केटल में जो गरम किया हुआ पानी है वो अब हम इसमें डालेंगे। हम थोड़ी देर ढक के रखेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। हमारा उपीट तैयार। इस पे मैंने नींबू छिड़क दिया है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं।